शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 4/1/13 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग मीठे मीठे बाप दादा जो हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, तो पारस बुद्धि बनाने वाले पारसनाथ बच्चे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। प्रश्न है, कौन सा एक राज जो बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? उत्तर है, निराकार बाप सभी का मात पिता कैसे बनते हैं? है वो निराकार, फिर वो माता भी और पिता भी, तो वो दो रूप में कैसे हम बच्चों के बनते हैं? वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं? ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता के बिगर तो सृष्टि रच भी नहीं सकते, तो कैसे वह शरीर धारण कर, कैसे उसमें प्रवेश कर और उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह ब्रह्मा जो प्रजापिता भी है तो फिर माता भी है। यह बात बहुत ही समझ कर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। नंबर 2 है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। मन से बाबा को याद करना है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराना है और संस्कारों में अवगुणों का परिवर्तन कर और गुण धारण करने हैं, मैनर्स धारण करने हैं। तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है कि हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है, हमें पुजारी से फिर पूज्य बनना है। यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान है, सर्व फरियादों की फाइल, सर्व फरियादों की फाइलों को समाप्त कर क्या बनने वाले? बाबा कहते हैं फाइन बनने वाले, सर्वगुण संपन्न सुंदर बनने वाले, 16 कला संपूर्ण बनने वाले, कर्म योगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले जो निरंतर योग युक्त होकर कर्म करते हैं वह योगी हैं। उनका योग स्वतः और सहज होता है, उनका योग टूटता ही नहीं जो उनको मेहनत करनी पड़े, उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः ही सफल हो जाते हैं, फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं। तो क्या पसंद करेंगे, फाइल खत्म करके फाइन बनना या फिर फरियादें करके फाइलों का ढेर लगाना? क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। स्लोगन है, हर समय करावन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। निरंतर योगी बनने की सहज युक्ति बताई, मैं निमित्त हूं, हर कर्म हर पल करते समय यही सोचें, करावन हार बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।